रतन टाटा देश के सफल कारोबारी और बेहद परिश्रमी थे। इससे भी बढ़कर वे एक अच्छे इंसान भी थे जो भारत को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। रतन टाटा सादगी और शालीनता की मिसाल थे। बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को रात करीब 11:30 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा की मृत्यु के बाद देश भर में शोक की लहर है। रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। रतन टाटा ने तमाम इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी कई बातें साझा की, फिर भी उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनके भीतर कुछ दबा छिपा सा था जो अब भी रह गया। रतन टाटा ने अपने जीवन में खूब सफलता हासिल की। टाटा ग्रुप को वे ऊंचाइयों पर ले गए, साथ ही अपने सरल स्वभाव और व्यवहार से उन्होंने हर किसी के दिल में जगह भी बनाई। लेकिन लोगों के मन में एक बात हमेशा रही कि आखिर इतने सफल होने के बाद भी उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। इंटरनेट पर मौजूद रतन टाटा की कुंडली में कई शुभ योग थे जिस कारण वे एक सफल बिजनेसमैन बने, लेकिन कुछ ग्रहों के ऐसे भी योग थे जिस कारण उनका विवाह नहीं हो पाया। यही कारण है कि वे शादी के बंधन में नहीं बंध पाए।